Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. In this video we are going to see the pathogenesis of gastric cancer. तो gastric means होता है, ये gastric का meaning है stomach, ठीक है। तो stomach cancer की हम लोग बात करेंगे कि क्या pathogenesis हो रही है। ओके, तो etiology देख लेते हैं। सबसे पहले due to the etiology like H. pylori, previous history of the gastritis या जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, कहीं ना कहीं जीन म्यूटेशन की वजह से या अदर फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, अगर मान लीजिए एच पाइलोरी की बात करते हैं, तो ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन आपके स्टमक में जाएगा। स्टमक की जो सबसे अंदर वाली लाइनिंग है, ये ब्लैक वाली यहाँ पे देख लो, जिसको हम लोग म्यूकोसा बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लैक वाली जो आपको लाइन दिख रही है, दिस इज़ म्यूकोसा। नॉर्मली इसका काम क्या है कि ये बाकी लेयर्स को HCl के इफ़ेक्ट से बचाती है, ठीक है। तो हमारे स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो एसिड है, तो वो लेयर्स को डैमेज कर सकता है, बट ये जो हमारी म्यूकोसा है वो लेयर्स को डैमेज होने से बचाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि H. pylori जब एंटर कर जाएगा आपके स्टमक के अंदर, तो सबसे पहले वो किस पे अटैक करेगा, आपकी गैस्ट्रिक म्यूकोसा यानी कि इस वाली लेयर पे अटैक करेगा। तो जब ये इस वाली लेयर पे अटैक करेगा, इन्फेक्टेड करेगा, तो सुपरफिशियल डैमेज हो जाएगी ये लेयर, ठीक है। क्योंकि अभी अंदर वाली लेयर्स डैमेज नहीं हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सुपरफिशियल म्यूकोसा लेयर डैमेज, ठीक है, या सुपरफिशियल म्यूकोसा लेयर हैव क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ओके, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्रिक मीन्स होता है स्टमक। स्टमक की जो आपकी म्यूकोसा लेयर है वो क्या हो जाएगी, वो सीधे सीधे इन्फेक्टेड हो जाएगी, जिसको आप लोग बोलोगे क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। तो केवल म्यूकोसा डैमेज हुई है, इसीलिए सुपरफिशियल क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। अब कंटिन्यूस अगर ये प्रोसेस चलता रहा, कंटिन्यूस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का अटैक होता रहा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इन्फेक्शन कन्वर्ट हो जाएगा एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस में। एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस मीन्स होता है कि अटैक होने की वजह से सेल्स का साइज और सेल्स का शेप चेंज हो जाना, ठीक है। बार बार अटैक होने की वजह से सेल्स का शेप चेंज हो जाना। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है भाई, गैस्ट्राइटिस की बात कर रहे हैं यानी कि स्टमक की बात कर रहे हैं, तो स्टमक के सेल्स का शेप चेंज हो जाएगा। कौन से सेल्स का शेप चेंज हो जाएगा, ग्लैंडुलर सेल्स का शेप चेंज हो जाएगा। ग्लैंडुलर सेल्स एक तरह के ग्लैंड सेल्स होते हैं आप जो कि अंदर वाली लेयर्स में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो बार बार बाहर वाली लेयर टूटेगी तो अंदर वाली लेयर्स में हार्म हो जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके ग्लैंडुलर सेल्स जो है, जो कि लाइक अंदर वाली लेयर में होते हैं, उनका शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा और कंटिन्यूस इन्फेक्शन इस तरह से चलता रहेगा, तो आपके जो लेयर है लाइक आपके जो रिप्लेसमेंट ऑफ म्यूकोसा, जो म्यूकोसा सेल्स हैं, उनका भी शेप चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ों का शेप चेंज हो रहा है, एक आपकी म्यूकोसा की लेयर्स का शेप चेंज हो रहा है, दूसरा आपकी, ये देख लो, दूसरा आपकी ग्लैंडुलर सेल्स का शेप चेंज हो रहा है, ठीक है। तो दोनों का शेप कैसा चेंज हो जाएगा, इस तरह से चेंज हो जाएगा, या आप कह सकते हो कॉलम की तरह शेप हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है। तो जब कॉलम की तरह शेप हो जाएगा इस तरह से, ये कॉलम की तरह शेप हो जाएगा, तो अब बार बार इन पे अटैक चलता चला जा रहा है, बार बार अटैक चलता चला जा रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जीन म्यूटेशन अकर्स हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। जब इनको अटैक करता रहेगा कोई, करता रहेगा, अब लास्ट में क्या हो गया, इनका शेप भी चेंज हो गया, पहले ये इस तरह के थे और इस तरह के थे, अब ये इस तरह के बन गए, ठीक है। तो अब लास्ट में क्या होगा कि इसके अंदर का न्यूक्लियस डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब न्यूक्लियस डैमेज होना स्टार्ट होगा, तो न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा जीन, ठीक है, डीएनए। तो जीन और डीएनए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, म्यूटेटेड हो जाएंगे। कौन कौन से जीन म्यूटेटेड हो जाएंगे, कौन कौन से जीन में कोई प्रॉब्लम आएगी, सबसे पहले CDX2, CDH1 और P53 जीन में प्रॉब्लम क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्मल फंक्शन पहले देख लेते हैं, CDX2 का फंक्शन क्या है, ये हमारे ट्यूमर को सप्रेस करके रखता है। मान लो कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हुई भी,
तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ये क्या करेगा, उसको सप्रेस कर देगा और कैंसर बनने से रोक देगा। CDH1 का काम क्या है कि ये सेल्स के बीच में अटैचमेंट करने का काम करता है। ये एक सेल है, ये दूसरे सेल से ऐसे अटैच है, ये तीसरे सेल से ऐसे अटैच है, ये चौथे सेल से ऐसे अटैच है। तो ये जो अटैचमेंट है बीच का, ये जो अटैचमेंट है, इसको स्ट्रॉन्ग रखने का काम है आपका CDH1 का, ठीक है। P53 जीन का क्या काम है कि नॉर्मल सेल साइकिल को रेगुलेट करने का काम करती है। अगर 24 घंटे में एक सेल बनना होगा तो ये एक सेल बनाएगी। अगर ये सेल जो बन रहा है इसके अंदर कोई भी म्यूटेशन हो गया या कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये सेल को हटा करके दूसरा सेल बनाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका रेगुलेट करके रखती है नॉर्मल सेल साइकिल। अब मान लीजिए CDX2 में कोई म्यूटेशन हो गया तो ये ट्यूमर को सप्रेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ट्यूमर सेल्स बन भी रहा है तो ये उसको सप्रेस नहीं कर पाएगा। मान लीजिए CDH1 में कोई प्रॉब्लम हो गई तो ये जो बीच का इन लोग का स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था ना, वो कैसा हो जाएगा, लूज हो जाएगा। अब सेल्स कैसे दिखेंगे, ऐसे 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 ऐसे, और एक टाइम क्या आएगा, ये सेल्स टूट जाएंगे और एक दूसरे से डिटैच हो जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जो ये सेल्स के बीच का कनेक्शन था वो लूज होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये सेल्स टूट करके इधर उधर चले जाएंगे, ठीक है। तीसरा, P53 का काम क्या था कि ये नॉर्मल सेल साइकिल करता है। अगर ये म्यूटेटेड हो जाता है किसी वजह से तो यहाँ पे सेल साइकिल कैसी हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी। जब एबनॉर्मल सेल साइकिल हो जाएगी तो ट्यूमर बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ट्यूमर को रोकने के लिए ट्यूमर सप्रेशन जीन काम नहीं कर रहा है और जो ट्यूमर यहाँ पे ट्यूमर सेल्स बनते चले जाएंगे और उनके बीच का कनेक्शन लूज होता चला जाएगा, क्योंकि ये वाला जीन भी हमारा क्या हो गया, अफेक्टेड हो गया है। इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि एक तरह का WNT उसके बाद / बीटा कैटेनिन पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा। देखो, घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीटा कैटेनिन पाथवे एक तरह का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सेल्स टूट करके ब्लड सप्लाई में जाने लगते हैं, ठीक है। सेल्स क्या हो जाएंगे, टूट करके ब्लड सप्लाई में जाने लगेंगे। क्यों जाने लगेंगे, क्योंकि इसकी वजह से एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ होने लगी है। ये उन एबनॉर्मल सेलुलर ग्रोथ को रोक नहीं पाया है और इसका कनेक्शन लूज है, तो जो नए सेल्स बनेंगे, एबनॉर्मल सेल्स बनेंगे, उनका कनेक्शन भी लूज ही रहेगा और वो आसानी से टूट करके कहाँ चले जाएंगे, ब्लड सप्लाई में या ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे। जब वो आसानी से टूट के ब्लड स्ट्रीम में चले जाएंगे तो ये एक तरह की प्री कैंसरस कंडीशन हम उसे बोलेंगे, जिसको आप डिस्प्लेसिया भी बोल सकते हैं। ये प्री कैंसरस कंडीशन कंटिन्यूस चलती रहेगी और अगर ऐसे ही जीन म्यूटेशन होता रहा, एबनॉर्मल ग्रोथ होती रही, तो आगे चल करके प्री कैंसरस कंडीशन कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, नोट्स देख लीजिए एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स का। Thank you so much. Have a nice day.